नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप लोकतंत्र देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात होगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, तमाम दल रणनीति बनाने में जुटे हैं, जाति समीकरण फिट करने के लिए भी जी तोड़ कोशिश की जा रही है। बीजेपी धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर आक्रामक है। वहीं इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिन पर उनकी तारीफ हो रही है, तो उन्हें घेरा भी जा रहा है, विपक्ष उन्हें नसीहत दे रहा है। मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं, क्योंकि दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। हम 40,000 साल से एक ही पूर्वज के वंशज हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मुस्लिम इस्लाम खतरे में है कि भावना से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि विकास एकता के बिना संभव नहीं है और एकता का आधार राष्ट्रवाद है। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों पर भी हमला बोला और लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कानून को बिना किसी पक्षपात के ऐसे लोगों के खिलाफ अपना काम करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान को मायावती ने मुंह में राम बगल में छुरी वाला बताया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नफरत हिंदुत्व की देन है। कांग्रेस और आरजेडी ने भी मोहन भागवत के बयान पर उन्हें नसीहत दी है। अब सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत का बयान उदारवादी मुखौटा है, क्या स्वयं सेवकों के लिए संदेश अलग है, क्या भागवत के बयान से इत्तेफाक रखती है भारतीय जनता पार्टी, आखिर मोहन भागवत के बयान के मायने क्या हैं? विश्लेषण करेंगे आज इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मायावती आरएसएस प्रमुख के बयान को मुंह में राम बगल में छुरी बता रही है। हालांकि बीएसपी पर जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की मदद के आरोप लग रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। लेकिन संघ पर गैर बीजेपी दल की कमोवेश यही राय है। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। गोविंदाचार्य ने भी अटल की उदारवाद को संघ का मुखौटा बताकर आरएसएस की रणनीति को बेनकाब कर दिया था, जिसकी सजा के तौर पर आज भी वो राजनीतिक तौर पर लापता हैं। बहरहाल भागवत ने फिर सबके हिंदू होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते वो हिंदू नहीं हैं। भागवत ने ये भी कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है, फिर चाहे वो किसी धर्म या मजहब के हों। जिस वक्त भागवत यहाँ ये बात कह रहे थे उसी वक्त खबरों के मुताबिक हरियाणा में शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर गोली चलाने के आरोपी गोपाल मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे थे। उनके भाषण का कथित वीडियो वायरल होने पर आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। भागवत का ये बयान कतई नया नहीं है, ना ही इसे उदार हिंदुत्व समझा जा रहा है। हर अहम चुनाव से पहले ऐसे बयान हिंदुओं की सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव की भावना को मरहम लगाने के लिए भागवत देते रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले भी 21 फरवरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरएसएस के पूर्व प्रचारक रविशंकर की पुस्तक का विमोचन करते हुए भी भागवत ने यही कहा था कि भारत में कोई विदेशी नहीं बल्कि सब हिंदू पूर्वजों के वंशज हैं। उस वक्त वो ऐतिहासिक काल गणना एक भारतीय विवेचन नाम की इस पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। तब भी उन्होंने भारतीय इतिहास और परंपराओं को न भूलने की अपील की थी। गौ रक्षा के नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग को लेकर भागवत ने सख्त चेहरा दिखाया है। गाजियाबाद में हुए कार्यक्रम में उन्होंने दोहराया कि गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो लोग उसके नाम पर दूसरों की लिंचिंग कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लिंचिंग पर ये उनका दूसरा बयान है। इससे पहले भी 2019 में विजयादशमी को आरएसएस स्थापना दिवस पर भागवत ने लिंचिंग शब्द पर ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि लिंचिंग जैसा शब्द हमारे यहाँ कभी था ही नहीं। जहाँ ऐसी घटनाएं होती रही हैं, वहाँ से ऐसा शब्द आया। हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं हुई, यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई।
बाहर से आए शब्दों का इस्तेमाल कर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश होती है। इतनी विविधता वाले लोग शांति से दुनिया में कहीं भी नहीं रहते। भागवत के इस बयान को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी नजरिए से अहम समझ रहे हैं। ये इलेक्शन का बयान नहीं है, ये देश के हित में महत्वपूर्ण बयान है। और मायावती जी के शासनकाल में रहा हो या अखिलेश जी के शासनकाल में रहा हो, उनके समय दंगे फसाद विवाद होते रहे, लेकिन जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ना दंगे हो रहे हैं ना फसाद हो रहे हैं। कहीं कोई इस प्रकार का अपराध किया है तो कार्रवाई हुई है। प्रदेश का व्यापक विकास हो रहा है, गरीब का विकास हो रहा है, दलित और पिछड़े का विकास हो रहा है। लेकिन भागवत का ये बयान योगी और उनकी कार्यशैली के लिए नहीं है, बल्कि आरएसएस को समझने वाले जानते हैं कि ये बयान संघ की गोरिल्ला रणनीति का हिस्सा है। ये बयान संघ का उदारवादी मुखौटा है, वरना स्वयं सेवकों के लिए अलग संदेश है। वो वीडी सावरकर के बंच ऑफ थॉट का पालन करते हैं। सावरकर के ये थॉट अपने मुस्लिम विरोध के लिए हमेशा विवादास्पद रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर भागवत यही कहते रहे हैं कि संघ किसी किताब या किसी एक विचार के आधार पर नहीं चलता। हालांकि संघ के स्वयंसेवक उनके बयानों में उदारवादी मुखौटे को देखकर कुछ दिनों तक मोहभंग की हालत में नजर आए। दरअसल 2019 के आम चुनाव के पहले भी मोहन भागवत ने कहा था कि यहां रहने वाले सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, क्योंकि आप भारत माता की संतान हैं। इस बार भी उन्होंने इसी बात को अलग अंदाज में कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह पूजा करते हैं। भागवत के इस बयान से AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि नफरत हिंदुत्व की ही देन है। दरअसल सांप्रदायिकता देश की सत्ता को आपस में बांटने के लिए नूरा कुश्ती आजादी के पहले से ही लड़ती रही हैं। आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है और भागवत उसमें रहने वाले सभी 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानते हैं, लेकिन इबादत करने वालों को गौमांस के नाम पर हो रही हत्याओं को लिंचिंग नहीं मानते। लेकिन लिंचिंग पर बीजेपी की सरकारों का जो रवैया रहा वो जग जाहिर है। भागवत उदार हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब्रिस्तान शमशान जैसे बयान पर रोकते भी नहीं। स्वयं सेवक प्रधानमंत्री मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने की बात तो कहते हैं, लेकिन भगवा अंगोछा डाले लिंचिंग करने वाले 2014 के बाद हिंदू पट्टी के राज्यों में बेखौफ होकर हिंसा फैलाते रहे। सरकार की करनी पर बात करने पर भागवत यही कहते रहे हैं कि उनके पास सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं है। बहरहाल भागवत यूपी के हिंदू वोटर को एकजुट करने के लिए संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो योगी सरकार से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि गोरखपुर में मठ के बगल में रहने वाले मुस्लिम परिवारों को एक समझौता पत्र पर दस्तखत कराकर वहां से सुरक्षा के नाम पर क्यों हटाया जा रहा है, जबकि खुद योगी यहां मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े मामले बैठकर सुलझाते रहे हैं। ये राजनीतिक मजबूरी ही है कि भागवत मुसलमानों को कह रहे हैं कि वो इस्लाम खतरे में है कि भावना से बाहर निकलें, लेकिन संघ की मदद से बीजेपी हिंदू खतरे में है के नाम से पिछले 70 साल से घृणा की राजनीति की विषबेल को पालती पोसती रही है और आज धर्म मजहब के बीच बैर कराना ही सच्ची सियासत बन गया है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। तो मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उसके बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ ये समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा है, और वैसा है नहीं ऐसा है। लेकिन ऐसे और वैसे के बीच की जो थिन लाइन है उसको कैसे मेंटेन करेगी आरएसएस और खासकर बीजेपी, यह समझने की कोशिश होगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय में आपका करा दूं। मेरे साथ रमन मलिक साहब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर सीमा सिंह जुड़ रही है, संघ मामलों की जानकार है, पॉलिटिकल एनालिसिस भी है, और उमर फारूक मेरे साथ जुड़ रहे हैं AIMIM से, और संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत स्वागत। सीमा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, मोहन भागवत के बयान का असल में क्या मतलब है? आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता मैम मुझे इस पैनल में, मुझे ये बता दीजिए क्या जो कुछ वो कह रहे हैं तस्वीर उतनी भर है या फिर उसके पीछे की कहानी भी कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे? देखिए घनश्याम जी, भागवत जी ने कल जो अपने भाषण में बोला है उन्होंने एक्चुअल में उसी बात को रिपीट किया है जो कि संघ की मुख्य विचारधारा रही है। संघ हमेशा से ये कहता आया है कि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और भारत को जो चीज जोड़ती है वो राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद है। तो
मोहन भागवत जी का जो कथन है वो एक राष्ट्रीय हित पे आधारित है, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के अंदर ये फीलिंग जगाना या उनको इस चीज का एहसास कराना कि उनको भारत में किसी तरीके का खतरा है या इस्लाम को किसी तरीके का खतरा है, ये सरासर गलत है। और अब मुसलमानों को इस बात पे रियलाइज करना चाहिए, इस बात पे भरोसा करना चाहिए और हम मिल करके एक नए और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि राष्ट्रवाद ही वो विचारधारा है जहाँ पे मिल करके एक दूसरे से मतभेदों को भुला करके एक दूसरे पे विश्वास करके हम राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पे ले जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में ही हम सबका हित है और धर्म के नाम पर विभाजन किसी भी तरीके से राष्ट्र हित का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैम, ये तो वो सारी बातें हैं जो मोहन भागवत साहब ने बताई, मैं यही तो समझना चाह रहा था इसके बिहाइंड जो इनसाइड स्टोरी है मुझे वो समझा दीजिए। क्या सिर्फ यही समझाने का प्रयास है, क्योंकि आपकी बातों में यानी कि आरएसएस की बातों पे बाकी दल बाकी लोग उतनी शिद्दत के साथ यकीन नहीं कर पाते, कन्विक्शन की कमी दिखाई देती है। मैम नहीं, देखिए इसमें कन्विक्शन की कमी इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि हर राजनीतिक दल का अपना एक अलग पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और अगर आप भारतीय राजनीति के पूरे परिवेश को देखिए तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों के डर को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हथियार के रूप में लगातार इस्तेमाल किया है, ये एक सच्चाई है। और जब मुसलमानों को डरवाने की बात आती है तो एक बहुत जो बड़ा डर या खौफ क्रिएट करने की कोशिश होती है वो आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पे होती है। इसीलिए पिछले कई सालों से, इनफैक्ट अगर आप पूरा का पूरा इतिहास भी उठा करके देखिए तो आज तक कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर संघ डोमिनेट रहा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि कहा जाता है कि संघ के समर्थित है, हालांकि आज मोहन भागवत जी ने बोला कि जो राष्ट्रहित में है हम हर किसी का समर्थन करते हैं, आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है जहां पे आपको ये दिखे कि किसी गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रति किसी प्रकार का अन्याय किया गया हो। भले ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी की कितने ही सालों तक लंबी सरकार रही हो, तो यहाँ पे कथनी और करनी में कोई अंतर है ऐसा नहीं दिखाई देता। राजनीतिक दलों के अविश्वास के उनके अपने कारण हैं और उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने संघ में के इस बात का समर्थन कर दिया तो उनकी राजनीति की जो मेन धुरी है, चाहे वो धर्म पे आधारित हो या किसी और बात पे आधारित हो, वो धुरी हिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अब ठीक है मैम, लेकिन जो आदर्श सिख का पाठ पढ़ाया जा रहा है इस बयान के जरिए, वो क्या बीजेपी को भी समझाया जाएगा या दूसरे लोगों को भी समझाया जाएगा, इस पर भी मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। रमन मलिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मलिक साहब ऐसा क्या हुआ आपको लगता है, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी, ऐसी कौन सी कोशिश थी जिसके जरिए भागवत साहब को इस तरह का बयान देना पड़ा इस मौके पे, आपको क्या समझ में आया? देखिए जहां तक मैं संघ को जानता हूं, क्योंकि मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूं, संघ की हमेशा एकमात्र जो सबसे बड़ी विचारधारा रही है वो राष्ट्रवाद की है। नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी बीजेपी में भी संघ से ही आई, तो आप उसको अलग करके नहीं देख सकते, नंबर एक। नंबर दो, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, वैसे भी एक फैक्ट है कि जो हमारा, हम जब भी, आप तो खुद एक ज्ञाता हैं, तो आपने जितनी बारी भी देखा होगा पूजा पाठ होती है, भारत खंडे जम्बू द्वीप पे बोला जाता है, तो वो जो जम्बू द्वीप था, इस सारे के अंदर जो अगर आप डीएनए के हिसाब से चेक करना शुरू करें तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जीन है वो सबसे प्रीडोमिनेंट रहा है यूरोपियंस। तो मेरा सिर्फ कहने का इतना सा अभिप्राय है कि हम सब यहीं के हैं, जो मेजरली हैं उन्होंने ये कहा तो इसमें गलत बात तो है नहीं। अगर स्वायत्तता बनती है, अगर सबसे प्यार बनता है, देखिए कहा जाता है इस्लाम 1400 साल पहले शुरू हुआ। अच्छा कौन लोग हैं फिर, अच्छा मलिक साहब कौन लोग हैं जो आपकी ये एका वाली भावना को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो सौहार्द की बातें आप कर रहे हैं, मोहब्बत की बातें आप कर रहे हैं, इसमें विघ्न डाल रहे हैं, कौन लोग हैं सर फिर ये? मैं बताता हूँ ना घनश्याम, सबसे पहली तो बात ये आ जाता है लगभग 1400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले भी मनुष्य रहा होगा, कोई ना कोई पद्धति, कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी। तो ये कहना कि जी उससे पहले कुछ ऐसा नहीं होगा तो वो तो गलत हो जाएगा ना साइंटिफिकली भी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, और जहां तक मैं समझता हूँ उनका अभिप्राय इतना है कि वो लोग जिनकी राजनीति, जिनकी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं, जिनका सारा पहचान इससे बनी हो,
कि जहां भावना द्वेष की, नफरत की, कटुता की हो और उसी को बेच के उनका काम चलता हो, ऐसे लोग भारत के लिए, भारत माँ के लिए हानिकारक हैं। और उन्हीं पे मेरे ख्याल से उन्होंने दिखाया है। उसके अलावा अगर इस उद्बोधन को ओवैसी जैसे और दूसरे लोग जिनके अस्तित्व ही सिर्फ इस बात पे हो कि मैं, मेरे को 15 मिनट दे दो और मैं साफ करके दिखा दूंगा, तो मैं ऐसे लोगों के मुंह लग के क्या करूंगा था। ठीक है, जरूर आपको वैसे भी असहमति की आदत तो नहीं है, जो भी आपसे सहमत नहीं होते तो आप उनको इसी तरह दरकिनार कर भी देते हैं। बहरहाल आप मेरे साथ रहिए मलिक साहब, और लोग भी हैं मेरे पास। उमर फारूक साहब है AIMIM से। फारूक साहब, असल में ओवैसी जी को इस बयान से क्यों दिक्कत हो गई जिसमें बात एकता की है, बात सौहार्द की है, बात सबके मिलके साथ चलने की है, इस साथ में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, फिर ओवैसी साहब को परेशानी क्यों हो गई? बात परेशानी की है, जब एकता की बात करते हैं तो उलट होता है, जब बोलते कुछ है करते कुछ है। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने बोला था तभी मुसलमानों को बॉम्ब लिंचिंग में मार दिया गया था और लगातार उसके बाद बॉम्ब लिंचिंग बड़ी थी। अरे मलिक साहब ऐसे मत करिए सर, एक बार बोलने दीजिए फिर बीच में बोल लीजिएगा सर प्लीज। अब मोहन भागवत जी ने बोला है तो अब खतरा हो रहा है मुसलमानों को, देखिए पता नहीं क्या होगा इसके आगे, कहीं कुछ और मुसलमानों की बॉम्ब ब्लास्टिंग तो नहीं होगी, कहीं ये यूपी के चुनाव का आता। आपको पता है फारूक साहब इस तरह की बयानबाजी कितनी खतरनाक है जो आप कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, कि मोहन भागवत के बयान के बाद कितने मुसलमानों को खतरा होने जा रहा है। सर क्या बोल रहे हैं सर, कुछ तो ध्यान में रख के बोलिए, इस तरह की बयानबाजी किस तरह का द्वेष पैदा करती है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, ये सच है, ये सच है, कोई प्रूफ है आपके पास फारूक साहब? कोई प्रूफ है आपके पास कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद मुसलमानों पर ज्यादती होने जा रही है? सर ऐसी बातें मत करिए प्लीज। आप इनके नेता जब भी बोले ऐसा ही हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला पिछली बार बॉम्ब ब्लास्टिंग को लेकर, उसके बाद क्या हाल हुआ है, उसके बाद क्या बॉम्ब ब्लास्टिंग करो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्ब ब्लास्टिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ कोई कानून बनाया, क्या मोहन भागवत जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप बॉम्ब ब्लास्टिंग के खिलाफ कानून बनाइए? नहीं, देखिए जो ऊपरी ऊपरी बातें हैं और इस तरह की डिबेटें छेड़ के लिए पूरे तरह है मुसलमानों के जख्मों को, फारूक साहब मोहन भागवत के कौन से शब्द ऐसे थे जिसको आपको ये मजबूर कर दिया एहसास कराने के लिए कि आपको खतरा है? मुझे एक शब्द बताइए मोहन भागवत के बयान का, मुझे एक शब्द बताइए जिसके बाद आपको डर लगने लगा है। ये जो बात मोहन भागवत जी ने कही, ये अपने इनके जो संघ परिवार के संगठन है, बजरंग दल है, RSS है ना, और जो दीगर इनके संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू वाहिनी है, इन संगठनों को बिठाते पूछे ना, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है इनके अंदर हमेशा इन्हीं संगठनों से कुछ लोगों का हाथ मिलता है, तो यानी कि इन डायरेक्ट पता कर लीजिए ना दिल्ली के दंगों में क्या कराया। मलिक साहब आ रहे हो, दिल्ली के दंगे भी आपने कराए कपिल मिश्रा जी? अच्छा कपिल जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो में अखला रखा हुआ था वो क्या तुम्हारे खाला के लोग थे? आप दिल्ली जिन्होंने एड्रेस रखा हुआ था वो कौन थे? अरे सर आप दिल्ली माइनोरिटी की रिपोर्ट उठा के, जिन्होंने चाकू रखे थे वो कौन थे? ठीक है, देखिए इस, ठीक है एक एक करके बात कर लेंगे तो बात समझ में भी आ पाएगी। ठीक है एक एक करके, मलिक साहब सर किसी को बोलने का मौका तो देंगे ना, अगर कोई विरोध जता रहा है आपकी बात को तो सुनेंगे आप सर, सुनना पड़ता है सर, सुनेंगे। फारूक साहब लेकिन आप मुझे ये नहीं समझा पाए कि मोहन भागवत के इन बयानों से आपको डर क्यों लगता है? उस बयान में जिसमें एकता की बात है, सबको साथ लेकर चलने की बात है, आप पता नहीं क्यों इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं सर, इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। ठीक है एक एक करके प्लीज एक एक करके सर मलिक साहब आप जानते हैं ना सर मेरे शो में इस तरह से बात नहीं होती है सर, रिक्वेस्ट है आपसे सर एक एक करके बात कर लीजिए सर, शोर अलाउड नहीं है सर, बात को आराम से करिए सर। ठीक है
उमर फारूक आ रहा हूँ सर, और लोग भी हैं, आपके डर को आज दूर करने की कोशिश करेंगे सर, आपके डर को दूर करने की कोशिश करेंगे सर, आप रहिए मेरे साथ, उमर फारूक रहिए, संजीव कौशल भी मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रुक जाइए फारूक साहब आ रहा हूँ। संजीव जी, असल में यूपी में अगले साल चुनाव और जबरन धर्मांतरण के कई मामले इन दिनों आना और मोहन भागवत का ये बयान आना, क्या वाकई एक डर की वजह देता है फारूक जैसे साहब लोगों को कि जो बोल रहे हैं हमें डर लगने लगा है इस बयान के बाद, या फिर इस बयान के दूसरे माने जो समझ सकते हैं हम? पहली बात तो ये घनश्याम जी की इस पूरे बयान में कहीं डर नाम की चीज नहीं है और इस सुनने के बाद में डर लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन मूल बात यह है कि जो वो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर चर्चा जरूर होगी, उनके कहने के मायने क्या है, क्या उनके करनी और कथनी में दोनों में समानता है या कुछ अंतर है, ये वही लोग हैं जो गोलवंकर जी का सपना था उनके सपनों को पूरा करने के लिए कि सभी हिंदुओं को संगठित करके हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारतीयों को ध्यान देंगे कि उनका सपना था कि सभी भारतीयों नहीं सभी हिंदुओं को संगठित करके हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, निश्चित तौर पर उनके बयान का स्वागत होना चाहिए, आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक संघ परिवार में या संघ में किसी बड़े मुद्दे पर किसी मुस्लिम को आपने देखा है? नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से कदम उठाए जाते हैं और कई बार, एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हो, मॉब लिंचिंग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने सरेआम देखा है कि कैसे वो निकलने के बाद में फूलों के माला से उनका स्वागत करते हुए देखा है, तो ये कथनी और करनी, आप कहते हैं कि जो आपको ये कहे कि नहीं आप हिंदुस्तान से उनके पाकिस्तान चले जाइए वो हिंदू नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, नेता लोग हैं, उन लोगों ने एक बार नहीं कई ऐसे बयान है जो खुलेआम उन्होंने कहा। अब सवाल यह है कि ये जो अविश्वास की बात पनप है, जमी की बात पनप, जब आप किसी समय विशेष को ध्यान में रख करके और ये जिस मंच पे उन्होंने कहा, इस मंच का निर्माण निश्चित तौर से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2002 में उस मंच का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया गया था जिसमें इंद्रेश जी के सानिध्य में हुआ था, और खासियत ये थी कि कोशिश में वो मंच लगा हुआ है कि ये एका बनी रहे, लेकिन केवल और केवल समय समय पर इस तरह की बातें यदि की जाती है क्या इससे एकता बनी रहेगी? मुझे लगता है कि कथनी और करनी में सबसे पहले जो भेद है या अंतर है उसको आपको खाई से काटना होगा। इन बातों पर मुसलमान यकीन क्यों नहीं कर पा रहा है? आप जो कह रहे हैं इन बातों पर क्यों यकीन नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों में या पिछले वर्षों में या जब से सत्ता में खासकर केंद्र में आई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम कहने के लिए ये कह सकते हैं कि संघ एक अराजनीतिक संगठन है जिसका राजनीति से लेना देना नहीं है, निश्चित तौर से प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेना देना है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि संघ ने ही असल में इस तरह की वजह दी है जिसकी वजह से ये अविश्वास की बात सामने आती है। सर, सीमा सिंह मेरे साथ हैं, संघ मामलों की जानकार भी हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं। सीमा जी, असल में क्या ये संघ का उदारवादी मुखौटा है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, और क्या यही संदेश स्वयं सेवकों के लिए भी है क्योंकि वो तो बंच ऑफ थॉट का पालन करते हैं? देखिए, ऐसा है घनश्याम जी कि मोहन भागवत जी कल जिस प्रोग्राम में आए थे वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक प्रोग्राम था, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है राष्ट्रवादी मुस्लिमों का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा पे विश्वास करता है, तो ये कहना कि वहाँ पे जो दिखाना चाह रहे थे वो कुछ और है और संघ के कार्यकर्ता किसी और चीज में बिलीव करते हैं, ये तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि जो राष्ट्रवादी मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो यहाँ पे समस्या इस बात को लेकर के हो रही है कि बहुत से ऐसे लोगों को इस बात से बहुत डर लगता है कि अगर भारतीय मुसलमान संघ की उस राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने लगा जिसकी बात बराबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, तो उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है, और इसी कारण से एक साफ सीधी और सच्ची बात को जिसके बारे में मोहन भागवत जी ने कल बात करी जब वो मुसलमानों के और हिंदुओं के एक डीएनए होने की बात कर रहे थे, तो उसको गलत तरीके से कन्वे करने की भी कोशिश की जाती है। अगर आप आज देखिए तो अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है क्योंकि एक्चुअल में वो हिंदू हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो बाई बर्थ मुस्लिम नहीं है, वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, यानी हिंदू जो इस्लाम को इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सऊदी अरेबिया भी यही कह रहा है कि भारत के मुसलमानों का डीएनए और भारत के हिंदुओं का डीएनए वास्तव में एक है, और इसी बात को जब मोहन भागवत कहते हैं
तो फिर इस हमारे देश की बातें सऊदी अरेबिया सेट करता है क्या मैम, या उनकी बातों को हम ट्रेंड से सेटर माने उनको? मेरा मेरी आपत्ति इस बात पे है क्योंकि हम हिंदू शब्द का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम एक बहुत संकीर्ण सोच के साथ हिंदू शब्द का इंटरप्रिटेशन करते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, हिंदू एक संस्कृति है और भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के धर्म को हिंदू ही माना जाता है। इसलिए मैंने ये बोला कि जब भारत का मुसलमान भी भारत से बाहर जाता है तो उसको हिंदू ही माना जाता है क्योंकि हिंदू एक कल्चरल आइडेंटिटी है। तो हिंदू शब्द से क्यों लोगों को इतनी आपत्ति होती है? या जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए भी हिंदुओं का डीएनए है तो इसमें लोगों को क्यों इतनी आपत्ति होती है? इस बात का कारण मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के इस बात में अपने अलग अलग राजनीतिक स्वार्थ है, इसलिए वो चाहते नहीं है कि इस बात को। सीमा जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई बड़ा फर्क है जिसको पाटने की लगातार कोशिश की जाती है और ना चाहते हुए भी हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ जाती है? जब हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात ही नहीं है तो फिर बार बार हिंदू मुस्लिम का जिक्र क्यों होता है आपके हिसाब से? बार बार नहीं, तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ सोचने की बात तो ये भी है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात जो है क्या सिर्फ मोहन भागवत जी कैद करते हैं? उन्होंने तो हिंदू और मुसलमानों के विभेद को खत्म करने की बात करी, पर यहाँ पे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी राजनीति की बुरी ही मुस्लिम तुष्टिकरण है, क्या हम वहाँ पे जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं उसको क्या हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? और जब वहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक विभेद क्रिएट करती हैं और उस विभेद को दूर करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कल मोहन भागवत जी ने करने का प्रयास किया है, जो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं है और हर पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय हित में एटलीस्ट इस विचार का समर्थन करना चाहिए। इसमें जैसे अभी बात हो रही कि ये गलत है या डर लग रहा है, मुझे तो इन चीजों का कोई रीजन समझ में नहीं आता कि इस बात का विरोध करने का क्या रीजन है, चाहे वो ओवैसी साहब करें या कोई और करे। इस बात का हम सभी को स्वागत करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय हित में है और मुझे लगता है कि लोगों को भी ये कहना चाहिए कि हाँ, हिंदू और मुसलमान एक है और हम सबको मिलकर के राष्ट्र निर्माण में पूर्ण तरीके से सहयोग करना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, असल में ये भी समझाते चलिए कि अगर मोहन भागवत साहब, जैसे सीमा जी कह रही हैं कि मोहन भागवत साहब मुसलमानों से कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस भावनाओं से बाहर निकलिए, लेकिन सर हमने तो देखा कि सालों से बीजेपी ये भी समझाते रही है कि हिंदू खतरे में है, तो ये पैरेलली दोनों बातें एक साथ फिट कैसे होंगी? सर ऐसे होंगी क्योंकि अगर जो लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ के देखें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने एक बड़ा इंटरव्यू के अंदर एक बड़ा वक्तव्य दिया था। वक्तव्य ये दिया था कि पहले दो पॉइंट पे उन्होंने बात करी थी कि पहली बात तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, ना कि किसी और आधार पर, ये नेहरू जी के वक्त। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि प्रोसेलिटाइजेशन, मतलब जबरन धर्म परिवर्तन कराना, हिंदू के अंदर ये आदत नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, जबकि दोनों एब्राहमिक रिलीजन के अंदर ये इंटीग्रल पार्ट है, ये उनका कहना है। अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पड़ा होगा, ढूंढ के आपको भेज दूंगा, आप उसके ऊपर शोध कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा कहना इतना सा है कि आपके लिए अगर नेहरू जी इतना कहने पे सेकुलर हैं और यही बात अगर मोहन भागवत जी ने इससे बहुत माइल्ड बात कही है कि हमको सबको बराबर मिलके रहना चाहिए, अब उसमें आपको एकदम इस्लाम खतरे में हो जाता है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि मिनट मिनट में तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है, ये क्या भावना है? इतने इनसिक्योर क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ना, कई बार आप ना इधर के रह पाते हो ना उधर के रह पाते, इसकी हो। कोई वजह तो समझ में आती होगी ना, इस एंग्जाइटी की, इस नर्वसनेस की, इनसिक्योरिटी की कोई वजह तो समझ आती होगी। मैं बताता हूँ ना इसकी वजह क्या है, इसकी छोटी सी वजह साहब जो समझने वाली है। मेरे को 70 साल में एक आदत पड़ गई कि मेरे को अपीजमेंट मिलेगी तो मैं समझूंगा कि मैं ठीक हूँ, जब मेरे को लाड प्यार पुचकार नहीं मिलेगा और ये बोला जाएगा कि भाई तू भी बराबर मैं भी बराबर, तो मेरे को खतरा लग जाएगा। बस इतनी सी बात है, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। मेरा अब बात आपसे मैं इतनी सी कहता हूं और आप आगे बात करता हूं कि मेरा सेक्युलरिज्म का
परिभाषा मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये जरूर है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनिशियली वो बोलते थे कि किसी के ऊपर रंग भेद धर्म प्रांत भाषा के ऊपर विभाजन नहीं होना चाहिए, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए, उसमें सेकुलरिज्म आता है, लेकिन साथ में ये भी आता है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बन जाती है, साथ में ये भी आता है कि हिंदू रीति रिवाज से चलने वाले धार्मिक संस्थानों को देखे ना एक CSR फंड, लेकिन दूसरों को मिल सकते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बन सकते हैं, हिंदू इंस्टीट्यूट नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ कहना इतना सा है आपकी डिबेट के माध्यम से कि रेलगाड़ी जब चलती है तो पटरी पर दोनों चक्के बराबर चलने चाहिए, तो रेलगाड़ी आगे चलेगी। अगर एक को आप ब्रेक लगा के बैठा दें और दूसरे को बोले चल भैया तू चलता रहे, तो वो फ्रिक्शन कॉज करेगी। तो आप अपने घर में हैं, आप अपने रूट्स को पहचानिए, आप जहां से उत्पन्न हुए उसको पहचानिए, उस सभ्यता के साथ रहिए और सारे मिलकर। फर्क क्या है, मैं भी हिंदू हूं आप भी हिंदू हैं, फर्क इतना सा है कि मैं सनातन धर्म को पालन करता हूं, आप इस्लाम का अनुसरण करते हैं। अगर हम इस भावना से चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अच्छा ये भी बताइए मलिक साहब, आप आमादा क्यों है इस बात पे कि सामने वाला ये मान ले कि वो हिंदू है, क्या वो जैसा है वैसे जीने का अधिकार नहीं है, और वैसे क्या नहीं जिया जा सकता। देखिए ऐसा होता है कि आप अगर ये बोलें कि जैसा है वैसा जिए तो ठीक है ना, मेरे को भी तो जीने दो, मेरे अंकित चाय को क्यों मारते हो, बावन वाली छुरा क्यों घोपते हो, नाले में क्यों फेंक देते हो काट के, पीड़ा होती है साहब। आप अगर से एक अखलाक हो तो पूरा मीडिया हाइड वाइड करता है, लेकिन अगर अंकित त्यागी होता है तो उसके लिए बोलते हैं आप कम्युनल हो जाते हैं। ठीक है, घबरापन किस लिए। ठीक है, तो कुल मिला के हिंदू मुस्लिम की बात ना करते करते भी बात हिंदू मुस्लिम की ही हो जाती है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की चर्चा को आगे क्यों बढ़ाया जाता है। जी ये पूरी चर्चा जब आप सुन रहे हैं तो आपको कहीं लगता है कि कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा संकेत आपको मिल रहा है जिसके बाद आपको डर लगे। छोटी सी बात है जी, बात मेरे डर की नहीं, मैं करता हूं बात डराने की, ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, जब से ये सप्ताह 2014 में आए हैं तब से लगातार ये इस तरीके से हरकतें किए जा चले जा रहे हैं, और जितने भी ये लोग मोबिलिंग वगैरह करते हैं गाय के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर, ये सब सरकार का श्रेय है इनके ऊपर, इनका कोई कुछ नहीं कर पाता, इसलिए ये चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही है। और रही वो मैडम चली गई है कि वो सऊदी अरब के जो मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदू है, तो मैं आपको बता दूं दुनिया के तीन बड़े मजहब हैं, और इस्लाम के अंदर अब उदाहरण के तौर पर उमर मौलाना उमर गौतम को ले लीजिए, जिसकी जिन्होंने भी यूपी सरकार ने उठा दी, उन्हें एक झूठे स्कैंडल में फंसा के जेल में कर दिया है। तो मुसलमानों का काम दुनिया में जितने भी लोग आए सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से, आप भी मैं भी ईसाई भी बौद्ध भी जैन भी, हम सब एक ही बात के बात है, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। इस्लाम इस बात की तालीमात नहीं देता कि हम किसी में फर्क करें, हम सब एक ही बात की औलाद है, हम सब एक ही अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, बस समझने का फर्क है, सिर्फ समझने का फर्क है। और लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी RSS बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इनका इतिहास रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को एक हत्या किसने की, ये विचारों से डरने वाले लोग हैं, यानी कि डरपोक लोग हैं, जब ये विचारों से नहीं डरते तो ये हिंसक हो जाते हैं। इसलिए आपका दूसरे ओवैसी साहब ने भी कहा था कि ये हकीकत में डरपोक लोग हैं, ये विचारों से घबरा जाते हैं, महात्मा गांधी से घबरा गए थे इसलिए उन्होंने उनकी हत्या करा दी। आप हिंदुस्तान के मुसलमान जो संविधान के रक्षक है, दलित जो संविधान का रक्षक है, ये आप उसे डराना चाहते हैं, उन पर लगातार उनकी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, कभी छूटे के समय बता रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। तो आप अपनी तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं जी, आप अपनी तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। मैं एक इंसान नहीं हूँ महात्मा गांधी से, देखो महात्मा गांधी तो बहुत बड़े नेता रहे, बहुत बड़े महापुरुष है, मैं अपनी तुलना उनके साथ कैसे कर सकता हूँ। मैं तो एक तगड़ा सा सिपाही हूँ भारत का, जो भारत के लिए काम करना चाहता है, हम हिंदुस्तान को जोड़ के रखना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ये संविधान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये संविधान को फाड़ना चाहते हैं। 15 मिनट वाला बयान कहाँ आया था फारूक साहब, 15 मिनट वाला बयान कहाँ आया था कि 15 मिनट के लिए आप हटवा दीजिए फिर ये देख लीजिए, वो कहाँ आया था सर। आपको हमारे 15 मिनट याद देते हैं, वो भी बयान
इन्होंने कुछ 15 मिनट झंडिया लगा दिए। नहीं, वो किसका बयान था 15 मिनट वाला, किसका बयान था वो भी बता दीजिए। लेकिन उमर साहब, आपकी बातों से या आपके जो एक्सप्रेशन है उसके जरिए ये क्यों मैसेज जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं होने देना चाहते आप? ये अलगाव क्यों? हम ही है जो सबको ठीक करना चाहते हैं, हम ही है जो ठीक करने की पहल करते हैं, हम ही है जो अपने आप को दबा के रखते हैं। हमारे साथ इतनी हिंसा हो रही है लगातार, हम खून का खून पी कर देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं और सभी लोगों को देश को आइए आप सब आइए। उमर जी देखिए सर, बेकार का प्रशस्ति पत्र हासिल मत करिए। कई आंकड़े जो बताते हैं कि आपकी तरफ से क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता, बहस भी नहीं है। मलिक साहब काउंटर करना चाह रहे हैं आपको, उनका जवाब ले रहा हूँ, फिर संजीव जी के पास जा रहा हूँ। मलिक साहब जल्दी से काउंटर करिए। देखिए, केरल के अंदर लफ्ज आग का पहले वाली वर्णन होता है और वो भी ईसाई धर्म के लोग करते हैं, ना कि हिंदू। दूसरी बात, यहाँ पे जो काम होते हैं वो आपको भी पता है, रेट लिस्टें कैसे आती है वो आपको भी पता है। अब तो कश्मीर के अंदर जैसे सिख बच्चियों को उठाया जा रहा है, ऐसा लग रहा था कश्मीर ना हुआ पाकिस्तान हो गया, कि किस प्रकार से आता है आतंक मचाया हुआ कि माइनॉरिटी जो है वो सकती। अब बात आ जाए छोटी सी और आगे करता हूँ, अगर आपको ये पता है कि इस देश के अंदर समाज के अंदर प्रांत के अंदर, अरे बाबा सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे छोड़ो ना यार, तुम्हारी बातें नहीं है। अच्छा और लोग भी हैं। अच्छा उमर भाई, उमर साहब एक एक करके बात कर ले, फारूक भाई एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात कर लेते सर, हम शोर नहीं मचाते हैं सर, कई बार मैं कह चुका हूँ हम शोर नहीं मचाते, आराम से बात करते हैं। मलिक साहब जल्दी से, देखिए जो वहाँ पे हुआ, अब तो ये भी बोला गया कि वहाँ जम्मू कश्मीर की केंद्र सरकार को ये जो लव जिहाद और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन के लिए जिस प्रकार से एक नियम चाहिए बनाना चाहिए, मैं तो बार बार एक कि ये लोग आके बातें करते हैं, कभी बड़े भाई का और छोटे भाई का पैजामा पहन के आ जाते हैं और ये बात आते हैं हमारे को शांत, पर अक्सर 98% टाइम होता है या 99% टाइम होता है कि हर अलगाववाद हर दहशत के पीछे एक हरा नकाब आता है, वो क्यों होता है ऐसा? जीने दो ना, आप भी जियो हम भी जियो, खत्म करो कहानी, हम भी शांति से जिए आप भी शांति से, हम डॉक्टर पैदा करें इंजीनियर पैदा करें, लेकिन हम कमल से क्यों पैदा करते हैं, हम बम क्यों पैदा करते हैं, ये हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ये बातें फिर बहुत आगे तक जाएंगी, फिर वो हिंदू तो आतंकवाद की बात भी करने लग जाएंगे, फिर वो चर्चा कहीं और चली जाएगी, उस पर मैं नहीं आना चाह रहा, उस पर मैं आना नहीं चाह रहा। मलिक साहब मैं डिबेट को कहीं और लेके नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप रहिए मोहन भागवत के बयान पे रहते हैं आज, ठीक है। फारूक साहब आ रहा हूँ, संजीव जी भी मेरे साथ हैं, संजीव जी, अरे फारूक साहब आ जाऊंगा आपके पास, फारूक साहब आ जाऊंगा आपके पास, फारूक साहब, मलिक साहब, अरे सर ऐसा मत करिए, मैं दोनों को ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, मैं चाहता नहीं वो करना सर, वो हम नहीं करते हैं, प्लीज ऐसे मत करिए, और लोग भी हैं सर, और लोग भी, ऐसे बहस नहीं चल पाएगी। विशेषज्ञ संजीव कौशिक मेरे साथ है। संजीव जी, हमने तो बचपन से यही सुना यही पढ़ा कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब के नाम पे इतना बैर है सर, इसको दूर करने की कोशिश जो बयानों के जरिए की जा रही है ये सार्थक दिखाई देती है क्या? आपका विश्लेषण क्या है सर? घनश्याम जी, निश्चित तौर पर इस तरह के बयानों का मैंने पहले भी स्वागत किया और आगे भी करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बयानों के मायने क्या है, ये मायने बहुत ज्यादा रखते हैं। हमने देखा है कि एक तरफ अभी हमने सुना हमारी बहन डॉक्टर सीमा कह रही थी कि मुसलमानों के डीएनए और हिंदू के डीएनए में कोई खास फर्क नहीं है, और भागवत जी को भी कहने का मतलब समझ गई, एक तरफ से आप ये कह रहे हैं और यही पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठकर की लाइन साजिश बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, और दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए आप कानून ला रहे हैं, दो कदम और आगे बढ़िए। तो हमने देखा है कि देश के सरकारों ने जो शुरुआती दौर में कोरोना काल में जिस तरह से पिछले ही वर्ष हमने देखा कि जिस तरह से शुरू हुआ,
हम लगातार यहाँ तक कि सरकारी डॉक्टरों को बैठ करके और एक एक बजाते अनाउंसमेंट हमने देखा कि बरसात से बढ़े हुए कोरोना कितने बहुत संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई और आम और सामान्य लोगों की संख्या हुई। और आगे आगे इस वक्त की बात कर ले तो हमने देखा कि कुंभ से भी बहुत सारे लोग लौटे लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। जब तक आप उन्हें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं आप उन्हें भरोसा नहीं दिलाइएगा कि हम आपके साथ कोई भेद नहीं कर रहे हैं, आपको हम अपना समझते हैं, आप लाख बयान देते रहिए लेकिन आपको इसीलिए मैंने कहा कि कटनी और कटनी में जब तक अंतर रहेगा ये खाई पाटने की बात कहीं से नहीं हो पाएगी। ये एक राजनीतिक निश्चित तौर से अभी के वक्त में जो बात चल रही है इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए और देखा ही जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात की जा रही है, तो मंच से ये बात कही गई है लेकिन क्या बाकी लोगों पर ये इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे अपने हैं तो आप हमें गले लगाइए, आप हमारे अपने हैं तो आप हमें गले भी नहीं लगाएंगे, हमारे अपने हैं खून में अंतर भी नहीं समझते हैं और आप अपना भी नहीं रहे हैं और हमेशा सबकी निगाहों से देख भी रहे हैं। तो जब तक आप भरोसे की बात नहीं करेंगे, आप ये नहीं एहसास कराएंगे कि नहीं आपके प्रति हमारे मन में कोई अविश्वास की बात नहीं है, आप भी हमारे अपने हैं और भरोसा जो टूटा है वो बनना चाहिए, फिर ये आगे बात बढ़ेगी। नहीं तो इस तरह के बातों के या स्पेशल के स्टेटमेंट के मायने केवल राजनीतिक बनकर रह जाएंगे और सारे लोगों को लगेगा कि इलेक्शन नजदीक है इसलिए लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ परिवार जिस तरह से इससे पहले भी जिस तरह की कवायदें करती रही है और एक सशक्त मजबूत के साथ वो खड़ी रही है आज भी वो खड़े रहने का प्रयास कर रही है। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा बेहतर अभी नहीं दिखाई दे रही है, कई मामलों में वो गिरी हुई है, तो एक मजबूत करने का ये प्रयास ठीक है। तो डॉक्टर सीमा असल में भागवत साहब जो उदार हिंदुत्व की तस्वीर दिखा रहे हैं उसका स्वागत भी किया जा रहा है, उनके बयानों के साथ लोग जुड़ते भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन लोग ये भी सोचते हैं और ये पूछना भी चाहते हैं कि फिर यही आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को कब्रिस्तान और शमशान जैसे बयानों को देने से क्यों नहीं रोकती है। अगर इसी तरह का हिंदुत्व है जो इतना उदारवादी है आरएसएस की निगाह में तो ये आपत्ति वहां क्यों नहीं जताई जाती। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक राजनीतिक संगठन नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक ये भी बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है कि जब हम एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में हर धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक बात। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे अभी ये एमआईएम के जो प्रवक्ता बोल रहे थे तो यहाँ पे आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे पिता एक है। तो मैं सिंपल सा ये क्वेश्चन एक पूछना चाहती हूँ बड़ी विनम्रता के साथ और मुझे लगता है कि हम सबको इस पे सोचना चाहिए कि अगर हमारे पूर्वज एक हैं या हमारे पिता या हमारी एंसेस्ट्री एक है तो इस देश में जबरन धर्म परिवर्तन जैसी चीजें अस्तित्व में क्यों आती हैं, लव जिहाद की बात यहाँ पे क्यों होती है। और मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद को सबसे पहले केरला के मुख्यमंत्री ने केरला की विधानसभा में स्वीकार किया था जहां पे उन्होंने ये माना कि केरला में लव जिहाद एक बड़ी समस्या है जहाँ पे लड़कियों को ट्रैप करके उनका जबरन कन्वर्जन कराया जाता है। तो आप हिंदू मुसलमान की बात को करके सत्य से आप आंखें नहीं मूंद सकते। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे मुस्लिम भाई बहुत उदारवादी हैं, बहुत राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जो कट्टरवादी ताकतें हैं जो मुसलमानों के असली चेहरे को जो राष्ट्रवादी और उदारवादी उनको प्रमुखता से सामने नहीं आने देना चाहते और अगर आने देना चाहते हैं तो वो ये बोले ना कि वो जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का विरोध करते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि कोई भी ऐसी नीति जो राष्ट्र हित में बनाई जाती है हम उस नीति का पूर्णतया पालन करते हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि भाजपा शासित राज्य में या संघ समर्थित भाजपा शासन में उनको किसी प्रकार की तकलीफ हुई है तो वो इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते कि इस सरकार ने लोगों की उस सुविधाओं के लिए जो भी नए नए पॉलिसीज बनाई है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय रहा है। और इस चीज को अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैडम वहाँ पे कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन। मैडम असल में देखिए जो बातें आप कह रही हैं वो इस एक खास समुदाय के लिए ही, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी आज यही इशारा किया जो ज्ञान असल में दिया जा रहा है आरएसएस के जरिए वो ज्ञान बीजेपी के लिए क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं समझाया जा रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा, ये बात उनको भी समझाई जाए। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आप एक घटना बताइए ना जहाँ पे केंद्र सरकार ने हिंदू और अन्य लोगों में किसी प्रकार का कोई विभेद किया है, जहाँ पे किसी पॉलिसी का बेनिफिट हिंदुओं को तो दिया गया किसी और को नहीं दिया गया। या मुझे एक घटना बताइए जहाँ पे किसी कम्युनिटी का जो माइनॉरिटी में आती है उसका माइग्रेशन
या उसका पलायन किया गया हो, किसी कम्युनिटी ने किया हो, आज भी अगर आप देखिए तो पलायन। मैम ये तो अचरज वाली बात है, ये तो अचरज वाली बात है। परीक्षा शुरू होने से पहले आपने दो अभ्यर्थियों में तय कर दिया कि एक ने कुछ भी नहीं किया, एक ने बहुत कुछ किया। मैम एग्जाम तो देने दीजिए, एग्जाम तो देने दीजिए, फिर यही पार्शियलिटी असल में असंतोष की भावना को पैदा करती है। बहस और हो सकती है मैम, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने समय निकाला। सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला चर्चा में जुड़े। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, आप देखते रहिए यूपीएन। नमस्कार।